नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काशी रसोई पे। और आज इस जन्माष्टमी के अवसर पे मैं एक न्यू रेसिपी ले आई हूँ। आज हम घर में बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल बूंदी। तो बूंदी बनाने का एकदम प्रॉपर तरीका, उसके लड्डू कैसे बनाते हैं वो हम सब वीडियो में सीखने वाले हैं। एकदम नरम बनते हैं और कोई देख के कह नहीं सकता कि आपने ये घर में बनाए हैं, और स्वाद इनका बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए रेसिपी को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हमने करीब 2 कटोरी बेसन लिया है। तो मैंने यहाँ पे कटोरी का यूज़ किया है बिकॉज ये सबके घर में इजीली अवेलेबल होगी, मेजरिंग कप्स नहीं रहते हैं। और जितना आपने यहाँ पे बेसन लिया है उतना ही पानी लेना है, पर पानी को एक साथ आपको इसमें ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा आपको पानी ऐड करना है, इसको कॉन्टीन्यूसली मिक्स करना है जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना आए। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ साथ इसमें हम इसको स्टर भी करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया था, तो 2 कटोरी मैंने इसमें पानी यूज़ करा है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहेगी। और जब आप अपना विस्क करने वाला या फेंटने वाला जब चेक करेंगे तो इसमें कुछ बूंदें आपको इसमें गिरती हुई दिखेंगी। तो इसी तरीके की हमें गोल गोल बूंदे अपनी बूंदी की भी चाहिए। तो हमारा मतलब बैटर यहाँ पे एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब मैंने अपने बैटर को 3 बर्तनों में अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कलर। मैं 3 कलर की बूंदी बनाऊंगी यहाँ पे, रेड, और हम ऐड करेंगे येलो कलर और ग्रीन कलर। ईजिली मार्केट में ये मिल जाते हैं। अगर आपको सारे कलर ना मिले तो सिर्फ आप जो येलो कलर है या रेड कलर है आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। और बस आपको इसी कलर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा रेड कलर है उसको यहाँ पे मिक्स कर लिया है, और वैसे ही हम यहाँ पे दूसरा कलर जो अपना ग्रीन है उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें कलर मिक्स कर रहे हैं हमारी बैटर का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो रहा है। तो एक चुटकी भर ही काफ़ी रहता है, बहुत ज़्यादा हमें कलर ऐड नहीं करना है वरना इसका कलर जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर कितना सुंदर निकल के आया है। और अब हम जो येलो वाला है उसको भी हम अच्छे से यहाँ पे फेंट लेंगे। तो ये हमारे 3 कलर यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो बस ये कलर अब हमारे परफेक्टली रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं सब में बहुत अच्छा ब्राइट कलर आया है यहाँ पे। और अब हम इन सब में कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच या आप कह सकते हैं 1 पिंच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो इसे 15 से 20 मिनट आपको और अच्छे से फ्लफ़ी करना पड़ेगा फेंट के, जिससे इसमें एरेशन हो जाए। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो बेस्ट है, आप उसको वो डाल सकते हैं। और इनो का भी आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर रखा है, अब मैं उसे इस बैटर में 3 कटोरियों में डाल दूँगी। इससे क्या होगा, हमारी जो बूंदी है एकदम क्रिस्पी बनेगी और एकदम इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो ये इसकी सीक्रेट है यहाँ पे जो आप सबको यहाँ फॉलो करना है। और मैंने इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो तीनों बाउल को आपको अच्छे से मिक्स करना है, जिसमें सोडा और ऑयल आपका अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये देखिए हमने 3 बाउल को अच्छे से यहाँ कर लिया है। और तेल आपका एकदम सिजलिंग हॉट गर्म होना चाहिए यहाँ पे। और आप थोड़ा सा इसमें आप बैटर डाल के चेक भी कर सकते हैं कि प्रॉपरली गर्म है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो पूड़ी छानने वाला होता है वो मैंने यहाँ पे स्पैचुला लिया है, सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बूंदी बनाने वाला बर्तन है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसी कोई जालीदार प्लेट है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो ग्रेटर होता है घर में उसका भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि उसमें जो छेद है वो थोड़ा बड़ा रहे, वो आपके होल के साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपकी बूंदी का साइज़ कितना होगा। और ये देखिए आप यहाँ पे कितनी बढ़िया हमारी बूंदी बनके रेडी हो रही है। आपको हाथ से बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस हल्का हल्का उसको आपको फोर्सफुली हल्का सा आपको टैप करना है। और कुछ देर में आप देखेंगे हमारी जो बूंदी है एकदम परफेक्टली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सारे कलर के बना लूँगी। आपको कुछ सेकंड्स और अच्छे से यहाँ पे इसको फ्राई करना है, और एक टिश्यू पेपर पे आपको इसे निकाल लेना है। और आप देखेंगे इन्होंने ऑयल बहुत ही कम एब्जॉर्ब किया है। इसी तरीके से आपको अपनी सारी बूंदी रेडी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की भी बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल हमारी यहाँ पे ग्रीन कलर की बूंदी भी तैयार हो जाएगी।
तो जब ये सारी बूंदी बन जाती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं और बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी है। आप चाहें तो इसको नमकीन बूंदी जो हम रायते में डालते हैं वैसे भी बना सकते हैं, बट आज हम लड्डू बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग कलर में बनाया है। तो अब मैं हम चाशनी बनाऊंगी। एक कटोरी मैंने यहाँ चीनी ली है और उसी सेम कटोरी में मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। और आपको बहुत ही पतली चाशनी बनानी है, यहाँ पे एक तार दो तार आपको ऐसे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से यहाँ पे कार्डमम सीड्स ले लिए हैं, इलायची अगर आपके पास इसका पाउडर है तो आप वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हल्का सा मैंने यहाँ पे फूड कलर और ऐड किया है कि हमारे जो लड्डू हैं उसमें और बढ़िया कलर आ जाए। तो बस हमारे यहाँ पे चाशनी एकदम रेडी है। जैसे इसमें बॉईल आ जाए, आपको मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि जैसे ऑयल का टेक्सचर होता है, कुछ उस तरीके की आपकी चाशनी का टेक्सचर होना चाहिए। और अब आपको अपना गैस यहाँ पे बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपकी जितनी भी यहाँ पे बूंदी आपने रेडी करी है आप उस सबको इस चाशनी में डाल दीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी बूंदी डाली है और जितनी भी है हम इसमें डाल देते हैं। अब इसके बाद इन सबको ऐड करके आपको अच्छे से इनको मिक्स करना है यहाँ पे कि आपकी जितनी भी बूंदी है वो चाशनी अच्छे से सोख ले। अब यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम ऑन कर देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको गैस को रखना है और कम से कम 2 से 3 मिनट आप इसे अच्छे से कवर करके रखिए। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी जो बूंदी है उसने चाशनी को काफ़ी अच्छे से सोख लिया है और हमारी यहाँ बूंदी टूटी भी नहीं है, काफ़ी अच्छे से अभी भी इसने शेप को रिटेन करा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पिस्ताचियो डाले हैं और अगर आपको मार्केट में मेलन सीड्स मिल जाए, खरबूजे के दाने मिल जाए तो वो आप इसमें डालिए, वो इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मुझे वो नहीं मिले थे इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। अब आपको यहाँ पे इसको गैस बंद करके कुछ देर 5 मिनट ठंडा होने देना है। जैसे ही ठंडा होगा अब आपको अपने हाथ गीले करके यहाँ पे लड्डू बनाना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस 5 मिनट कि आप इसको शेप दे पाए अपने हाथों से। और बस इसके हम फटाफट यहाँ पे इसी तरीके से लड्डू बना लेते हैं। ये सब जब आप लड्डू बना लें इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे जिससे कि और अच्छे से ये सेट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं हमारे लड्डू एकदम प्रॉपरली रेडी हो चुके हैं, जन्माष्टमी के लिए हमने बनाए हैं। आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। ट्राई करिए रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड